हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 के सम नंबर 18 को, 19 को, 20 को, 21 और 22 को। इन 5 सम्स की स्टेटमेंट मैंने पहले से ही बोर्ड पे राइट कर दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एनसीईआरटी मैथ के सम हैं प्लस टू क्लास के, तो ध्यान से देखेंगे आप इसे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ई रेज टू टेन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वाली जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये हमने मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। और इस मेथड में होता क्या है, एक फंक्शन को हम कुछ लेट कर लेते हैं और उसके बाद उसका डेरिवेशन करके सेकंड फंक्शन फाइंड करते हैं। जिस तरह की ई रेज टू टेन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है, हमें मालूम है कि टेन इनवर्स का अगर डेरिवेशन करेंगे तो डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये बात तो मैंने पहले भी क्लियर की है कि जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, ये करने के लिए आपको डेरिवेशन आना चाहिए। मीन टू से डेरिवेशन के फार्मूले अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर डेरिवेशन के फार्मूले आते हैं तो जस्ट आपने उसका इन्वर्स करना है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, डेरिवेशन प्लस इंटीग्रेशन दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए। ओके, तो मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसे लेट करते हैं पहले। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है। इसमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो tan इनवर्स का डेरिवेशन क्या होता है, tan इनवर्स का डेरिवेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहां पर हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू क्या होगा, 1। विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहे हैं तो टी का डेरिवेशन हमारे पास 1 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास क्या बन गया, ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय में है, इसे इस साइड पे ले जाओ, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई मतलब डी टी हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, हाँ जी, हमारे पास पहले क्या था, e की पावर tan इनवर्स x था, तो यहां पर आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स x को हमने लेट किया है t, तो यहां पर राइट कर दो t, e की पावर t इंटू में डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये रहा डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये किसके इक्वल है, ये dt के इक्वल है। ठीक है, तो e रेस टू t का डेरिवेशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e रेस टू t यानी e रेस टू x का इंटीग्रेशन भी e रेस टू x ही आता है और इसका डेरिवेशन भी सेम ही रहता है, e रेस टू x ही रहता है। तो ओके, यहां पर e रेस टू t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेस टू t ही आएगा, प्लस में आपको मालूम है कि c आएगा। अब e रेस टू t है, t की वैल्यू यहां पर फिल करनी पड़ेगी, t की वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स x, तो यहां पर राइट कर दो tan इनवर्स x प्लस में c। तो ये था हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज का सम नंबर 18। फिर से देख लो, इस एक्सरसाइज में करना क्या है, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के अलावा हम यहां पर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेरिवेशन प्लस इंटीग्रेशन दोनों के फार्मूले तैयार होने चाहिए। यहां पर आपने देखा कि tan इनवर्स का डेरिवेशन डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने tan इनवर्स x को लेट कर लिया t, इसका डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t किया, दैट इज tan इनवर्स x का डेरिवेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, तो यहां पर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 1, तो डी एक्स को यहां पर रखा, डी टी को इस साइड पे ले गए, तो डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास डी टी आ गई। अब ये वाली वैल्यूज हैं जो हमने फिल करनी है, जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है उसमें। तो e की पावर tan इनवर्स x था, तो यहां पर e की पावर t हो गई, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास t हमने मानी है ऐसी।
तो इनटू में ओनली dt रहेगा, क्यों? क्योंकि dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रहा, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू dt थी, ठीक है। तो यहां तक करने के बाद आपको सिंपल मालूम है कि e की पावर t है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t आएगा, प्लस में c लगाएंगे। तो अब क्या करना है आप लोगों ने, t की वैल्यू फिल करनी है लास्ट में, ठीक है। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, t की वैल्यू tan इनवर्स x है, तो यहां पर tan इनवर्स x आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 18। नेक्स्ट हमारे पास सम नंबर 19 है, इसमें हमने क्या करना है, ध्यान दो, e रेस टू 2x माइनस 1 बाय e रेस टू 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो करेंगे क्या, डिवाइड बाय e रेस टू x, ठीक है। इसके न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे e की पावर x से। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा यहां तो कुछ नहीं किया मैंने, यहां पर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अगर e रेस टू x माइनस 1 को लेट करते हैं t, उसका डेरिवेशन e रेस टू 2x प्लस 1 की फॉर्म में नहीं आएगा। और अगर हम लोग e रेस टू 2x प्लस 1 को लेट करके चलते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, तो इस फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब e रेस टू 2x माइनस 1 की फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसे थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो मैंने हमने इस सम में किया है। ओके, तो क्या करना है, इसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है किससे, e की पावर x से, ठीक है। तो e की पावर 2x माइनस 1 को पहले डिवाइड करो e की पावर x से, e की पावर 2x को e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा e की पावर x, माइनस है तो माइनस लगा दो, 1 को डिवाइड करो e की पावर x से, तो ये क्या बनेगा, e की पावर माइनस x। ओके, तो ये हमने इसके न्यूमिरेटर को डिवाइड कर दिया e की पावर x से, अब आपने इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है e की पावर x से। तो e की पावर 2 है, 2x है, इसे डिवाइड करो e की पावर x से, तो क्या बन जाएगा, e की पावर x प्लस में 1 बाय e की पावर x, क्या बनेगा ये, e की पावर माइनस x। ओके, तो अब आप करके देख सकते हैं इसे, मान लो कि e रेस टू x प्लस e की पावर माइनस x को अगर हम लेट करते हैं तो इसका डेरिवेशन इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसको लेट कर रहे हैं ये नहीं आ रहा, इसका डेरिवेशन करते हैं ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने ये स्टेप ध्यान में रखना है, पहले e की पावर x से न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, ठीक है। तो मेथड कौन सा अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो अब हम करेंगे क्या, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को हम लेट करेंगे t, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर को हमने t के इक्वल लेट कर लिया, e की पावर x का डेरिवेशन निकाल दो, पहले राइट कर लेते हैं यहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, हाँ जी, क्या हो जाएगा ये हमारे पास e की पावर x ही आएगा डेरिवेशन। और अगर हम e की पावर माइनस x का डेरिवेशन निकालते हैं तो क्या रहेगा, e की पावर माइनस x का डेरिवेशन, तो e की पावर माइनस x ही आएगा, लेकिन माइनस x का भी डेरिवेशन निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। e की पावर माइनस x का डेरिवेशन e की पावर x माइनस x मल्टीप्लाई माइनस x का डेरिवेशन, दैट इज माइनस, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऑल ओवर हमारे पास माइनस इंटू e रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, इंटू में क्या आएगा, dx बाय dt, ध्यान रखना e की पावर x का डेरिवेशन यहां पर आ गया, e की पावर माइनस x का डेरिवेशन मैंने यहां पर राइट कर दिया है, तो इंटू में आना था dx बाय dt, तो यहां पर हम कर लेते हैं dx और dt को इस साइड पे ही लगा देते हैं, ठीक है। dx बाय dt एक लाइन कम हो जाएगी यहां से, अगर उधर dt पहले से लगा देते हो आप लोग तो, हाँ जी, ध्यान दो यहां पर हमारे पास क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx, ये रहा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है dt, बाय में क्या आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, दैट इज t, तो यहां पर आ जाएगा t। ओके, तो हमारे पास dt बाय t, ध्यान देना dt बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt बाय t का इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास log t, ये हमारे पास फार्मूला है, dx बाय x का डेरिवेशन, dx बाय x का डेरिवेशन हमारे पास होता है log x, तो उस एंगल से अगर dt बाय t है तो इसका डेरिवेशन बनेगा log mod of t, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, log mod of t, t की वैल्यू क्या है,
ये रहा टी, ठीक है, इसकी वैल्यू है ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, और प्लस में सी है तो सी ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये आपका सम नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। दोबारा ध्यान से देख लो इस सम को, ई रेज टू टू एक्स माइनस वन बाय ई रेज टू टू एक्स प्लस वन है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, ठीक है। मेथड यहां पर अप्लाई कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन क्योंकि इसका डेरिवेशन करते हैं तो ये नहीं आता फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे तो ये फंक्शन नहीं आएगा। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों को e की पावर x से, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब ये न्यूमिरेटर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें और डिनोमिनेटर ये बन जाएगा। तो अब अगर ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है। तो आपने डिनोमिनेटर को लेट किया टी के इक्वल, डेरिवेशन किया, तो आपके पास इसका न्यूमिरेटर आ चुका है, दैट इज ई रेस टू एक्स माइनस इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे बाय में ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू टी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ऑफ एक्स, जैसा कि हमारे पास फार्मूला है। तो अगर एक्स की जगह पर टी आ जाएगा तो फार्मूला नहीं बदलेगा, फार्मूला वही रहेगा, लॉग मोड ऑफ टी हो जाएगा प्लस में सी, और इस टी की वैल्यू यहां से लेकर, ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स यहां पर हम लोग फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका सम नंबर 18 और 19 मैंने कवर कर दिया है, और कोशिश की है कि राइटिंग ठीक समझ आ जाए आपको, ठीक है। तो ध्यान देना, नेक्स्ट सम है हमारे पास सम नंबर 20th। अब इसमें देखो ध्यान से, सिंपल दिख रहा है हमें, यही सम रिपीट हो गया है, लेकिन इससे ये आसान है, क्यों, क्योंकि ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेशन ये आ जाएगा, ठीक है, और ई रेस टू माइनस टू एक्स का डेरिवेशन ये आ जाएगा, माइनस भी बन जाएगा, तो सीधा ही ये हो जाएगा हमारे पास ई रेस टू टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस टू एक्स इक्वल टू टी। मैंने क्या किया, सीधा ही इसके डिनोमिनेटर को लेट कर लिया है टी के इक्वल। तो अब इसका डेरिवेशन कर दो आप लोग, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेशन करेंगे, तो e की पावर 2x का डेरिवेशन क्या होगा, e की पावर 2x ही आएगा, मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा। e की पावर 2x का डेरिवेशन तो e की पावर 2x आएगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा 2x का डेरिवेशन, 2x का डेरिवेशन बनेगा 2 यहां पर लगा दो। इसके बाद e की पावर माइनस 2x का डेरिवेशन, e की पावर माइनस 2x का डेरिवेशन क्या बनेगा, e की पावर माइनस 2x ही आएगा, और फिर माइनस 2x का डेरिवेशन निकालोगे तो माइनस 2 आएगा, ये यहां पर लगा दो माइनस 2, ठीक है। तो इनटू में क्या होगा, इनटू में dx आ जाएगा, बाय में dt आना है, उस बाय वाले dt को इस साइड पे ले जाओ, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लें एक बार यहां से, e रेस टू 2x का डेरिवेशन e रेस टू 2x, 2x का डेरिवेशन 2 यहां पर लगाया मैंने, प्लस का साइन था, एक बार प्लस का साइन रखो चलो, ठीक है। तो e रेस टू माइनस 2x का डेरिवेशन e रेस टू माइनस 2x, और फिर माइनस 2x का डेरिवेशन बनेगा माइनस 2, तो इसलिए प्लस को मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इनटू में आना है dx बाय dt इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, t का डेरिवेशन 1 बनेगा, लेकिन उस बाय वाले dt को मैंने उस साइड पे ही लिख दिया है, एक लाइन यहां पर कम हो जाती है, हाँ जी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो, i इक्वल टू, हाँ जी, अब देखो e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x dx, ठीक है, ये रहा e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x dx इक्वल टू क्या है हमारे पास, dt है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पर 2 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, तो जहां तो 2 को यहां पर कॉमन ले लेते हैं चलो, जहां फिर वैसे सीधा भी राइट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए यहां पर इसे कॉमन रखते हैं, हाँ जी, ध्यान दो, तो e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x, ठीक है, इनटू में dx आ जाएगा। अब ये 2 कॉमन निकाला है, इस कॉमन को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय 2 dt। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दो फिर से, क्या किया है मैंने, 2 यहां पर था, 2 यहां पर था, कॉमन ले लिया, उस कॉमन की इससे मल्टीप्लाई थी, इधर आके डिवाइड हो गया, ये स्टेप ध्यान रखना आपने। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो,
e raise to 2x माइनस e raise to माइनस 2x dx, ये रहा e raise to 2x माइनस e raise to माइनस 2x dx, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 dt, ठीक है। तो 1/2 को बाहर लिखते हैं, कांस्टेंट को, dt को यहाँ पर लिख लेंगे, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं dt को, ठीक है। बाय में क्या आएगा, e raise to 2x प्लस e raise to माइनस 2x, क्या है इसकी वैल्यू, ये वाली है इसकी वैल्यू t, ठीक है। तो ये बन गया 1/2 वैसे का वैसे ही, dt by t का इंटीग्रेशन बनेगा log mod of t, तो यहाँ पर log mod of t प्लस में आ जाएगा c, तो यहाँ आएगा 1/2 log mod of t। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, t की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही t की वैल्यू, e raise to 2x प्लस में आएगा e raise to माइनस 2x, हाँ जी यहाँ पर प्लस में हो जाएगा c। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये सम कंप्लीट होता है, मतलब ये वाला सम उस सम से इजी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले डिवाइड करना पड़ा था हमें, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने डिनोमिनेटर को लेट करना है p, डेरिवेशन निकाल दो, 2 कॉमन आ जाएगा, वो 2 कॉमन इस साइड पे ले आओ, इसके बाद इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर फिल कर देंगे, और ये t के इक्वल है, t फिल कर दो, तो dt by t हमारे पास log t आ जाएगा, इसकी t की वैल्यू यहाँ से उठाकर भर दो, t की वैल्यू क्या है, e raise to 2x plus e raise to minus 2x, ठीक है। इसी के साथ ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, tan square 2x into dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, हाँ जी क्या होता है tan square का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि tan square किसका डेरिवेशन होता है, किसी का भी नहीं होता, तो इसलिए डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, tan square को पहले हमें secant square की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, secant square माइनस tan square इक्वल टू 1 होता है, टेंथ में आपने फार्मूला किया होगा, प्लस 1 में भी हमने करवाया है, ठीक है, तो प्लस 2 में भी फार्मूले दे रखे हैं ये, तो secant square माइनस tan square इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से tan square की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये बनेगी secant square माइनस 1, ठीक है, secant square के साथ एंगल 2x माइनस 3 आएगा, ओके, और माइनस में क्या आएगा, माइनस में हम 1 लगाएंगे, तो यहाँ पर माइनस 1 लगा दो, इनटू में dx आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा इस तरह कवर कर लो इसे, हाँ जी ध्यान दो स्टूडेंट, क्या किया है मैंने, secant square माइनस tan square इक्वल टू 1 होता है, यहाँ से मैंने tan square की वैल्यू फिल कर दी, यहाँ पर फार्मूला भी राइट कर लेते हैं दोबारा से, secant square x माइनस tan square x इक्वल टू 1, हाँ जी यहाँ से tan square की वैल्यू फिल की है मैंने, तो माइनस का tan square इस साइड पे ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 इस साइड पे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास secant square माइनस 1, ये रहा secant square और ये रहा माइनस 1, ठीक है, और इसको यहाँ पर डालो ये ब्रैकेट को, ठीक है, इनटू में dx है। तो अब आपको मालूम होगा कि secant square होता है tan का डेरिवेशन, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन भी tan की फॉर्म में ही आएगा, tan 2x माइनस 3 आ जाएगा, हाँ जी बाय में a आएगा, a क्या होता है, x के साथ जो वैल्यू होती है, x के साथ जो नंबर होता है उसे a बोलते हैं, तो यहाँ पर बाय में 2 आएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस x, प्लस में आएगा c, तो इसी के साथ ये सम हमारा कंप्लीट होता है। बिल्कुल ही सिंपल सम है, 1 या 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, लेकिन मौके पर क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला लर्न नहीं है कि tan square वाला क्या होता है, tan square इक्वल टू secant square माइनस 1 होता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना, पहले tan square को secant square माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे, एंगल कुछ भी है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, secant square माइनस tan square इक्वल टू 1, तो tan square इक्वल टू secant square माइनस 1, ठीक है, एंगल वैसे का वैसे ही मैंने लगाया है, तो secant square का इंटीग्रेशन होता है tan, एंगल वैसे का वैसे ही, लेकिन अगर एंगल x की बजाय कुछ और है तो ध्यान रखना a की वैल्यू नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, x के साथ a है तो नीचे आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ पर x आ गया, प्लस में c, ठीक है। तो अब इसी सीरीज में लास्ट वाला सम है जो 22nd, जिसकी स्टेटमेंट यहाँ पर राइट कर रखी है मैंने, इसको दोबारा से यहाँ पर राइट करते हैं, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास
स्टेटमेंट है इसकी सीकेंट स्केयर 7 - 4x dx, ठीक है। ये तो अभी हमने कवर किया है, ये रहा सीकेंट स्केयर, ठीक है। तो वही सेम सीकेंट स्केयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आता है टेन की फॉर्म में 7 - 4x, ठीक है। बाय में क्या आएगा, बाय में हमारे पास आएगा a, और a कहाँ पर होता है, x का जो कोफिशियंट होता है, मतलब x की जिस नंबर से मल्टीप्लाई होती है उसे a बोलते हैं। यहाँ पर x की मल्टीप्लाई है -4 से, तो बाय में आ जाएगा -4 + c, ठीक है। ध्यान देना फिर से, क्या किया है मैंने, सीकेंट स्केयर का डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन आ जाता है। तो सीकेंट स्केयर का इंटीग्रेशन आएगा टेन की फॉर्म में, तो यहाँ टेन एंगल सेम, और अगर यहाँ पर एक्स के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई है तो वो नंबर आएगा बाय में, -4 की मल्टीप्लाई है तो -4 बाय में आएगा। इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिख दो, -1/4 कर दो, और यहाँ पर आ जाएगा टेन 7 - 4x + c, ओके। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है इसका सम नंबर 22nd भी, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास ऊपर यहाँ पर राइट थी, ओके स्टूडेंट्स। तो 5 के 5 सम मैंने कंप्लीट किए हैं यहाँ पर, 18 से लेकर 22nd सम तक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि इसे दोबारा अच्छी तरह रिवाइज कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं बेटा, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और साथ में इसकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। और सबका बेस क्या है, डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन के फार्मूले आपको लर्न हैं, तो आगे लर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें रटने लग जाओ, कभी नहीं लर्न कर पाओगे। पहले आप समझ लें अच्छी तरह से, ठीक है, फिर तैयार करें। डेरिवेशन के फार्मूले तैयार हैं तो आपके इंटीग्रेशन के बिल्कुल आपने इन्वर्स ही करना, उसका इन्वर्स करने का मतलब है कि इन्वर्स प्रोसेस, ठीक है। जिस तरह साइन का डेरिवेशन कोस होता है, कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, e^x का डेरिवेशन e^x होता है, e^x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^x ही होता है। साइन इन्वर्स का डेरिवेशन क्या होता है, 1/√(1 − x^2) होता है। अब 1/√(1 − x^2) का आपने इंटीग्रेशन निकालना है, तो नेचुरली बात है साइन इनवर्स होगा। टेन इनवर्स का डेरिवेशन क्या होता है, 1/1 + x^2 होता है। अब 1/1 + x^2 का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होगा, नेचुरली बात है कि ये टेन इनवर्स होगा। हमारे पास टेन का डेरिवेशन क्या होता है, टेन का डेरिवेशन होता है सीकेंट स्केयर, सीकेंट स्केयर का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन की फॉर्म में आएगा, मतलब टेन आएगा। तो क्या है ये, ठीक है, इस फॉर्म में मैंने बताया है आपको कि डेरिवेशन है, उसका उल्टा कर दो इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो मतलब कोई भी टॉपिक क्लियर करने के लिए आपको उस टॉपिक का बेस तो क्लियर होना चाहिए, प्लस जो रूल रेगुलेशन है, फार्मूले हैं, वो लर्न होने चाहिए, तभी आपको ये बातें क्लियर होंगी, ओके स्टूडेंट्स। मान लो जिस बच्चे को ये नहीं मालूम कि टेन इनवर्स का डेरिवेशन 1/1 + x^2 होगा, ठीक है, तो क्या उसे स्टेप क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप डेरिवेशन अच्छी तरह करें, और डेरिवेशन फुल चैप्टर वीडियोस में दे रखा है, ठीक है, अनंत मैथमेटिक्स चैनल है अपना, ठीक है, वहाँ पर आप डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर आपको वो रेडी है तो ये हमारे पास 7.2 के 5 सम है, ठीक है, आज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।